हेलो जी नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल में। बात करें आपसे आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा आए हुए जॉब वैकेंसी के बारे में, जिसमें कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी कि एनटीपीसी रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसमें कि जूनियर क्लर्क से लेकर स्टेशन मास्टर तक के लिए पोस्ट हैं, जिसमें कि इंटरमीडिएट एवं ग्रेजुएट स्टूडेंट जो हैं अप्लाई कर सकेंगे। अगर आप इच्छुक हो अप्लाई करने के लिए और भी जानकारी, जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी जो आरआरबी रिक्रूटमेंट में आवेदन करने के लिए न्यूनतम अधिकतम आयु सीमा क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, अप्लाई कैसे करना है, कितने सीटें आरक्षित है, आवेदन कैसे करना है और आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, ये सब जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। और अगर बात करें टोटल नंबर पोस्ट की, तो टोटल 35,277 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। और अगर बात करें वैकेंसी डिटेल की, तो इसमें इंटरमीडिएट जो 10+2 पोस्ट वैकेंसी डिटेल है, इसमें जो एज डिस्ट्रीब्यूट रहेगा वो 18 से 30 साल वाले कैंडिडेट को अप्लाई कर सकेंगे, और जो एज कैलकुलेट होगा वो 1/7/2019 के अनुसार होगा। इसमें इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकेंगे। इसमें जो 10+2 वालों के लिए पोस्ट है वो है, पहला है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का, दूसरा है अकाउंट्स कम टाइपिस्ट का, और तीसरा है जूनियर टाइमकीपर, और चौथा है ट्रेन क्लर्क का, और पांचवा है आपका कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। इसमें जो इनिशियल पे स्केल लागू होगा यहाँ पे दिया गया है। और इसके साथ ही यहाँ पे टोटल वैकेंसी देख सकते हो कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट उसमें 4,319 पोस्ट हैं, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट 407 पोस्ट हैं उसमें, और जूनियर टाइमकीपर जो है उसके लिए 17 पोस्ट हैं, और जो ट्रेन क्लर्क है उसके लिए है यहाँ पे आपका जाके 592 पोस्ट, और जो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है उसके लिए 4,940 पोस्ट हैं, यानी कि 10+2 वालों के लिए टोटल 10,628 पोस्ट हैं यहाँ पे। और बात करें ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें जो एज लिमिट है उनका वो 18 से 33 साल होगा, और एज लिमिट जो कैलकुलेट होगा 1/7/2019 को संदर्भ मानकर होगा। और इसमें बात करें नेम और पोस्ट की, तो यहाँ पे देखते हो पहला है ट्रैफिक असिस्टेंट का, जिसमें कि 88 पोस्ट हैं, और दूसरा है गुड्स गार्ड का, गुड्स गार्ड के लिए यहाँ पे 5,748 पोस्ट हैं। सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए है यहाँ पे 5,638 पोस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए यहाँ पे 2,873, और जो जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है उसके लिए 3,164 पोस्ट हैं, सीनियर टाइमकीपर के लिए 14, कमर्शियल अप्रेंटिस के लिए यहाँ पे 259 और स्टेशन मास्टर के लिए 6,865 पोस्ट हैं। टोटल 24,649 पोस्ट हैं जो ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उनके लिए। रिजर्वेशन पर एसटीएससी ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर और ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबी एग्जामेशन रिलैक्सेशन इन एज इन वेरियस एलिजिबल कैटेगरीज विल बी एप्लीकेबल एज पर डिटेल्ड कंटेंट इन दिस CEN नोटिफिकेशन, जो आपको मिल जाएगा यहाँ से डाउनलोड करने के लिए, वहाँ से पूरा डिटेल पढ़ सकते हो। इसमें जो जनरल कैटेगरी के EWS हैं वो भी अपना जो मतलब रिजर्वेशन का है इकोनॉमिकल वीक सेक्शन का जो फ़ायदा ले सकते हैं। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल OBC के लिए 500 रुपये देना है, STSC के लिए 250 रुपये, जो कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग या फिर SBI चालान के थ्रू दे सकते हैं, या फिर पोस्ट ऑफिस चालान जहाँ पे ऑनलाइन होता है वहाँ से भी आप कर सकते हो। अप्लाई करने की बात करें तो इस RRB NTPC CEN 01/2019 रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन आपको ऑनलाइन करना होगा, और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप इस लिंक का प्रयोग कर सकते हो जो कि 1 मार्च से लाइव हो जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन, जैसे मैंने बताया कि 1 मार्च 2019 संध्या 4 बजे से 31 मार्च 2019 तक अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने का लास्ट डेट 31 मार्च, फी पेमेंट करने की अंतिम तिथि 5/4/2019, फॉर्म कंप्लीट करने का अंतिम तिथि 12/4/2019। आप आरआरबी के द्वारा जॉब वैकेंसी RRB NTPC CEN 01/2019 रिक्रूटमेंट 2019 से संपूर्ण जानकारी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर आवेदन करने से पूर्व पढ़ सकते हो। आवेदन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आके इस वेबसाइट से आप इस नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पूर्व आवेदन करने से पूर्व पढ़ सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको RRB NTPC CEN 01/2019 जुड़ी जानकारी, आपको सभी जानकारी आपको मिल गई है। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।